हेलो, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे हमारी एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिजिटल रुपी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सब कुछ A to Z डिजिटल रुपी के बारे में, जो कि आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंडिया की कोई नई क्रिप्टो करेंसी है, तो अभी थोड़ी देर सोचते रहो, आगे वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा डिजिटल करेंसी के बारे में और क्या है ये इंडिया की तरफ से आने वाला डिजिटल रुपए, जिसके बारे में बताया गया था बजट में। 2022 का जो बजट अभी हाल ही में आया है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। वैसे ये जो टॉपिक है ना, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगा था, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊंगा इस टॉपिक के बारे में। बट वीडियो शुरू होने से पहले बस आप इतना समझ लो कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल रुपी के बारे में। सारा कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो के आगे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ मैं, एंड अगर आप समझ पाते हो कि आखिरकार डिजिटल रुपी है क्या, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूँ मैं वानन सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हो हमारी वीडियो का एक नया सेटअप। इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसमें भी आपको यही सेटअप देखने को मिलेगा, बट ये वाला जो सेटअप है थोड़ा और अच्छी क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो कमेंट करके बता सको तो बताना कि आपको कैसा लगा हमारा ये आज का नया वीडियो सेटअप। एंड नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरे सामने यहाँ पे स्क्रिप्ट रखी हुई है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूनियन बजट 2022 हाल ही में जो आया है उसमें इसे अनाउंस किया गया है डिजिटल रुपी को, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है इसको। ये इंडिया की तरफ से आने वाली उसकी खुद की डिजिटल करेंसी होने वाली है, जिसे आप डिजिटल रुपी कह के बुलाओगे, जिसको कि इशू करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही जल्द इसको यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पे इशू किया जाएगा। एंड बताया ये भी जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें इस आने वाली डिजिटल करेंसी में, जिसे डिजिटल रुपी कहा जाएगा। बल्कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे ज्यादा गवर्नमेंट चाहती है कि आप इस नई डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करो। सो अब तक हमें ये क्लियर हो गया कि इंडिया की तरफ से आपको एक नई डिजिटल करेंसी देखने को मिलने वाली है, जिसे आप डिजिटल रुपए कह के बुलाओगे। एंड अब इसके साथ एक सवाल आता है कि डिजिटल रुपए कह लो या कह लो CBDC जो है, ये किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट है क्रिप्टो करेंसी से। सो ये सब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार ये CBDC क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जी हाँ, ये है CBDC का फुल फॉर्म। सो डिजिटल रुपए के बारे में और डिजिटल करेंसी के बारे में और जानने से पहले हमें इस CBDC के कॉन्सेप्ट से क्लियर होना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, ये एक टर्म है जो कि हर कंट्री में होता है जहाँ पे आपको डिजिटल करेंसी देखने को मिलती है। तो सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जिस कंट्री में भी यहाँ पे डिजिटल करेंसी इशू की जाती है वहाँ पे आपको उसका खुद का CBDC या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक टर्म है, जहाँ पे भी आपको जिस कंट्री में भी डिजिटल करेंसी देखने को मिलेगी वहाँ पे ये CBDC होगा। इसी के द्वारा जो है डिजिटल करेंसी उस कंट्री की इशू की जाती है। सो जो करेंसी होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे इशू करता है CBDC। ये जस्ट बिल्कुल सेम ही है जैसे RBI यहाँ पे हमारी पेपर वाली करेंसी को इशू करता है, उसी तरीके से हर कंट्री में होता है CBDC जो कि इशू करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाली करेंसीज को। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और चीज से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं फिएट करेंसी। सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि आखिरकार ये फिएट करेंसी क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। वैसे इसे समझाना इतना ज़्यादा इजी नहीं है और समझना भी इतना ज़्यादा इजी नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझा सकूँ इस फिएट करेंसी के बारे में। तो सबसे पहले फिएट करेंसी जो है वो आपका यहाँ पे पेपर मनी जो आपका होता है उसे आप फिएट करेंसी कह सकते हो, जिसे इशू किया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से, जिसमें बैकिंग नहीं होती है यहाँ पे गोल्डन और सिल्वर की, मतलब जिसे किसी कमोडिटी के अगेंस्ट यहाँ पे इशू नहीं किया जाता है। जस्ट आपका गवर्नमेंट पे एक ट्रस्ट है तो उसके बेस पे यहाँ पे इसको इशू किया जाता है और सेंट्रल बैंक इसको इशू करता है। तो ये एक लीगल टेंडर भी होती है बाय द फोर्स ऑफ लॉ। सो अगर मैं आपको एग्जांपल देके अगर मैं समझा सकूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ बड़ा अमाउंट जो होता है, जो बड़े अमाउंट वाले यहाँ पे आपको पेपर मनी देखने को मिलते हैं, उनके पीछे बैकएंड होती है, उनको कमोडिटी के अगेंस्ट यहाँ पे जो है इशू किया जाता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गई।
बट यहाँ पे जो छोटे मोटे यहाँ पे अमाउंट वाले जो आपको पेपर मनी देखने को मिलता है आपका, जैसे 10 रुपए के नोट हो गए, 20 के हो गए, तो उन्हें गवर्नमेंट जो है इशू करवाती है कुछ परसेंटेज पे, एंड उनके पीछे यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई भी बैकिंग नहीं होती है गोल्ड और सिल्वर की। गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज पे उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे इशू करवाती है सेंट्रल बैंक से, एंड सेंट्रल बैंक इसे इशू करता है। तो यहाँ पे ये लीगल टेंडर भी होती हैं बाय द फोर्स ऑफ लॉ। सो आपकी यहाँ पे डिजिटल करेंसी है, या कह लो डिजिटल रुपए जो हैं आपके, वो यहाँ पे कंप्लीट एक फिएट करेंसी के अंडर आते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, फिएट करेंसी जो है ये एक लीगल टेंडर है बिकॉज सेंट्रल बैंक इसे इशू करता है। तो ये आपको आरबीआई की बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस हिसाब से जो आपकी डिजिटल करेंसी है या डिजिटल रुपए हैं वो आपको आरबीआई की बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड पे देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो आपके डिजिटल रुपए हैं वो एक तरीके से डिजिटल वर्जन ही है फिएट करेंसी का, और इसे आप एक्सचेंज कर सकते हो जो आपका पेपर मनी है उससे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार डिजिटल रुपए क्या है। इससे पहले जितना मैंने बताया वो सब जानना जरूरी था ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ डिजिटल रुपए को। तो यार काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर दो। तो यहाँ पे जो आपको डिजिटल रुपए देखने को मिल रहे हैं वो इंडिया की एक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी है, जिसे आरबीआई जो है लॉन्च करेगा 2022 में या 2023 में। यानी कि इस साल इंडिया में आपको डिजिटल रुपए देखने को मिल सकते हैं, या फिर अगले साल आपको यहाँ पे इंडिया में डिजिटल रुपए या इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी देखने को मिल सकती है। डिजिटल रुपए जो है यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है ताकि वो मेंटेन कर सके एक सिक्योर लेजर को। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार डिफरेंस क्या है डिजिटल रुपए में और क्रिप्टो करेंसी में। तो सबसे पहले डिफरेंस मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि डिजिटल रुपए जो है एक सेंट्रलाइज्ड जो है यहाँ पे डिजिटल करेंसी है जिसको रेगुलेट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वहीं पे आप जानते हो बिटकॉइन और इथेरियम जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको कोई भी एंटिटी जो है कंट्रोल नहीं करती है। और इसके बाद एक और डिफरेंस निकल के आता है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपए में, तो डिजिटल रुपए जो होने वाली है ये एक ट्रेसेबल करेंसी होने वाली है, मतलब आप इसे ट्रेस कर सकते हो कि, और इसमें आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस करेंसी की देखने को मिल जाएगी कि आखिरकार किसने भेजा है और किसको भेजा है, एंड वहीं पे आप क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी पता नहीं लगा सकते हो। एंड इसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ डिजिटल रुपए में और डिजिटल कैश में। एंड डिजिटल कैश क्या होता है, जैसे कि आप यूज़ करते हो अपना UPI, नेट बैंकिंग, तो ये सब आता है डिजिटल कैश में। तो फिर आने वाली डिजिटल रुपए में और जो हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल कैश में, उसमें क्या अंतर है? तो सबसे पहले जो आपकी डिजिटल करेंसी है या डिजिटल रुपए जो है, यहाँ पे आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है पेमेंट सिस्टम के ऊपर, बिकॉज डिजिटल रुपए के साथ यहाँ पे जो आपको सेटलमेंट रिस्क आपको देखने को मिलता है फाइनेंशियल सिस्टम में, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। सो इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिरकार इस बात का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जैसे आप मार्केट जाते हो, कोई चीज़ परचेज करते हो अपने डिजिटल कैश से, जैसे UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, आपने शॉपकीपर से कोई चीज़ परचेज की एंड आपने अपने गूगल पे के थ्रू समझ लीजिए कि आपने उसको पेमेंट किया, तो आपके जो आपका जो बैंक है उससे तो पैसे कट जाते हैं एंड उस शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, बट शॉपकीपर को बिल्कुल उसी टाइम पे पैसे उसके बैंक में नहीं आते हैं। शॉपकीपर को वो जो आपने पैसे पे किए हैं या जितने भी लोग उससे सामान खरीद के उसे डिजिटल कैश में पेमेंट करते हैं, वो सारा पेमेंट जो है उसको मंथ एंड में देखने को मिलता है अपने बैंक में, एंड मंथ एंड में यहाँ पे जो है सेटलमेंट होता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो डिजिटल रुपी से यहाँ पे आपको एडवांटेज ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम में जो यहाँ पे सेटलमेंट का जो रिस्क होता है डिजिटल रुपी में कम रहता है अगर आप कंपेयर करते हो डिजिटल कैश से। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिकॉज जो आपका डिजिटल रुपी जो होने वाला है वो जस्ट एक तरीके से बिल्कुल सिमिलर वर्क करता है आपके पेपर मनी की तरह। इस बात को भी मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको मैं बताना चाहता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए, आपने किसी शॉपकीपर को 200 रुपये दिए, 200 रुपये का जो पेपर मनी है वो आपने दिया, उसी तरीके से आपका वर्क करेगा ये डिजिटल रुपये भी। मतलब कि शॉपकीपर को आपने डिजिटल रुपये में 200 रुपये का अमाउंट दिया तो ये बिल्कुल सेम वर्क करेगा जैसा कि आप पेपर मनी के टाइम पे देते हो, बिल्कुल वैसा ही। सो यहाँ पे मंथ एंड में जो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेटलमेंट का रिस्क होता है वो यहाँ पे कम हो जाता है डिजिटल रुपी में। मैं जानता हूँ मैंने आपको जो यहाँ पे टर्म समझाया, डिफरेंस जो मैंने आपको बताया डिजिटल रुपी में और डिजिटल कैश में, वो समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा
जा सकूं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और बेनिफिट देखने को मिलता है डिजिटल रुपए के साथ कि यहाँ पे आप इंडियन इम्पोर्टर हैं तो यहाँ पे आपको अमेरिकन एक्सपोर्टर को आपको रियल टाइम आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब आप रियल टाइम जो डॉलर पेमेंट है वो भी आप डिजिटल रुपए के साथ कर सकते हो। बीच में जो आपको इंटरमीडिएटर आपको देखने को मिलते हैं वो आपको डिजिटल रुपए में देखने में नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे टाइम जोन की जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती थी वो भी आपको डिजिटल रुपए में देखने को नहीं मिलेंगी अगर आप इंडिया से अमेरिका यहाँ पे पैसा अगर डिजिटल रुपीज में ट्रांसफर करते हो तो। एंड मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, डिजिटल रुपी जो है वो आपका जस्ट एक पेपर मनी की तरह ही वर्क करेगा। आप जस्ट ऐसे समझ लो कि आपका जो पेपर मनी है ये उसका एक डिजिटल फॉर्म है। सो पेपर मनी अगर आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका भेजना चाहते हो तो इतना जल्दी नहीं जाता है, उसमें आपको बीच में इंटरमीडिएटर देखने को मिलते हैं, आपको अपने बैंक के थ्रू ये सब काम करना पड़ता है। बट डिजिटल रुपए में आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इंडिया में बैठे बैठे डॉलर की पेमेंट अमेरिका में कर सकते हो भी रियल टाइम में। एंड डिजिटल रुपए से जो आप ट्रांजैक्शन करोगे वो कम्प्लीटली फुल एंड फाइनल होगा जैसे आप कैश हैंड ओवर करते हो। और साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट है, डिजिटल रुपए जो आपको यहाँ पे होने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट एंड चीप आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे बैंक के थ्रू अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हो या ATM के थ्रू भी करते हो या कार्ड स्वाइप करते हो तो वहाँ पे कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ परसेंट इधर उधर जाता है, तो वो आपको डिजिटल रुपए में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई है खुद की एक डिजिटल करेंसी बनाने की। तो यहाँ पे सबसे पहला और जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो यहाँ पे अफ्रेड है जो नई नई यहाँ पे करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसीज आपको यहाँ पे मार्केट में हर रोज नई नई करेंसीज देखने को मिलती है उससे गवर्नमेंट को लग रहा है डर, बिकॉज गवर्नमेंट उसे जो है रेगुलेट नहीं कर सकती है। सो गवर्नमेंट को जो डर लग रहा है वो ये है कि जो लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को गलत तरीके से यहाँ पे काम में ले सकते हैं। आपको पता है क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे जो है ट्रेस नहीं किया जा सकता है तो इसे टेररिस्ट एक्टिविटीज में काम में बड़े ही आसानी से लिया जा सकता है। सो गवर्नमेंट जो है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कंसर्न में है कि लोग जो हैं यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे टैक्स बचाने में क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करते हैं। ब्लैक मनी जो है ज़्यादातर अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया जा रहा है बिकॉज इसे फिर ट्रेस नहीं किया जा सकता है, तो इस तरीके से लोग वाइट मनी में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं एंड इससे टैक्स का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। बट गवर्नमेंट की यहाँ पे जो मेन टेंशन है वो यही है कि लोग इसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं इन क्रिप्टो करेंसीज को। एंड जैसा कि आप सब पता है कि हम किन लोगों से घिरे हुए हैं, यहाँ पे आपके बगल में पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, तो यहाँ पे इस क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है इस बात को जरूर सोचिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी का जो यहाँ पे मार्केट है वो है $2 trillion का। तो अब आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा पैसा जिसे कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एंटिटी रेगुलेट नहीं कर सकती है तो ये गवर्नमेंट के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है। और इतना पैसा अगर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में लगाया जाएगा तो कितना ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। सो इसी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें एक अल्टरनेटिव, एक लेजिटिमेट अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है इन्हीं क्रिप्टो करेंसीज का, जिसका नाम है डिजिटल करेंसी, जो कि इंडिया की डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रुपए। और साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल रुपए को जो यहाँ पे बैकिंग मिली हुई है वो है RBI की, तो ये बात इस डिजिटल रुपए को और भी ज़्यादा ट्रस्टफुली बनाती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। मतलब क्रिप्टो करेंसी में तो कुछ भी नहीं पता है कि भाई आज ऊपर और कल नीचे, बट यहाँ पे जो आपको डिजिटल रुपए या डिजिटल करेंसी इंडिया की देखने को मिलने वाली है वहाँ पे आपको बैकिंग देखने को मिलती है RBI की, तो ये कम्प्लीटली सेफ है और आप इस पे बड़े आसानी से ट्रस्ट भी कर सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप डिजिटल रुपए यूज़ करते हो कैश की जगह तो यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो कि एक प्रॉब्लम है पेपर मनी के साथ, बट ये प्रॉब्लम जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है डिजिटल रुपए के साथ बिकॉज इसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। एंड अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि सिर्फ इंडिया ही है जो अपनी डिजिटल करेंसी बना रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आखिरकार और कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास उनकी खुद की डिजिटल करेंसी है। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिया का नाम इसमें आ गया है, इंडिया के पास जो है उनका डिजिटल रुपए खुद का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चाइना के पास है अपना डिजिटल युआन, इसके बाद आता है रशिया जिसके पास है क्रिप्टो रूबल, एंड उसके बाद आता है यूरोपियन जिनके पास है ई क्रोना। मेरी कैमरे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वही रुक गई थी, मैं इतनी देर से शूट कर रहा हूँ इस टॉपिक को एंड काफ़ी ज़्यादा रिटेक किए हैं, इस वजह से कैमरे की रिकॉर्डिंग ही रुक गई थी। और वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता है अगर किसी चीज़ के फायदे हैं तो उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं, तो आखिरकार ऐसे कौन से रिस्क हैं जो आपको देखने को मिलते हैं इस डिजिटल रुपए के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिस्क आपको देखने को मिलता है अगर ये डिजिटल रुपए इंडिया में आता है,
तो लोग जो हैं हो सकता है ज़्यादातर अपना पैसा जो है डिजिटल रुपए में रखने लग जाएं एंड वो अपना जो पेपर मनी है या कह लो जो आपका पैसा है वो बैंक में रखना छोड़ दें। बिकॉज जो डिजिटल मनी है उसे आप खुद अपने पास रख सकते हो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपको कोई पेपर की ज़रूरत नहीं होती है एंड उसे आपको बैंक में जमा कराने भी नहीं जाना होता है। आप जस्ट अपने कैश के बदले डिजिटल रुपए खरीद सकते हो और उसे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास ही रख सकते हो। तो हो सकता है डिजिटल रुपए आने से लोग जो है बैंक में जो है पैसे डिपॉजिट कराने ही छोड़ दें, जिससे बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। बैंक के पास पैसा नहीं होगा, वो लोन कहाँ से देगा एंड और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक रिस्क आता है डिजिटल रुपए के साथ एंड इसी के साथ साथ बहुत बड़ा रिस्क एक आता है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा रिस्क है, वो है साइबर अटैक का। आपको पता है ये जो पूरा डिजिटल रुपए है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लोगों के पास रहेगा, तो यहाँ पे साइबर अटैक होने से आपके पैसे जो हैं वो चोरी हो सकते हैं एक तरीके से। तो मुझे ये साइबर अटैक का काफ़ी बड़ा रिस्क लगता है इस डिजिटल रुपए के साथ। एंड लास्ट में एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपको पता है 30% टैक्स लगा हुआ है। वैसे 31% टैक्स है बट आपको सबको पता है 30% टैक्स क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगा हुआ है, बट डिजिटल रुपए के ऊपर यहाँ पे आपको 30% टैक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो डिजिटल रुपए या कह लो इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी जिसे आप डिजिटल रुपए कहोगे उसके ऊपर, एंड मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है डिजिटल रुपए आखिरकार क्या है, क्या क्या कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ डिजिटल रुपए के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो इसको लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा अगर मैं दे पाया तो, क्योंकि मुझे भी समझने में काफ़ी टाइम लगा था तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा पाया हूँ। बट आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो कमेंट में नीचे लिखना मत भूलिएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा यार प्लीज़ इतना बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो के ऊपर, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।